हेलो एवरीवन, मैं आपका इंग्लिश मेंटर हर्ष प्रताप सिंह आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ वोकैबुलरी की अमेजिंग सेशन में। आप सभी को पता है वोकैब से एक ऐसा सेक्शन होता है जो इंडिया के जो भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे मैं एसएससी सीजीएल की बात करूँ, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस, एफकैट एंड अदर वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं वनडे के, उनमें वोकैबुलरी का बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि सेटअप लगने के बाद मैं आपको डेली वोकैबुलरी के अमेजिंग सेशंस दिया करूंगा। और सबसे बड़ा टेंशन बच्चों का क्या होता है, स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वोकैब पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, वोकैब्स याद करने का देशी जुगाड़, हंसते खेलते हम लोग वोकैबुलरी को याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इस अमेजिंग सेशन को शुरू करते हैं। और जितनी भी वोकैबुलरी आज की क्लास में आप पढ़ेंगे, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप नींद में भी उस वोकैबुलरी का मीनिंग बता सकते हैं। आइए देखते हैं पहली वोकैबुलरी आपके सामने स्क्रीन पर कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखेंगे। चलिए गाइस, सभी लोग की नजरें कहां पे होनी चाहिए, बोर्ड पे। पहली जो वोकैबुलरी है वो क्या है, एक्सेसरबेट। ध्यान से पढ़े, क्या डियर, वो एक्सेसरबेट, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी आपको लग रही होगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना, मैं आपको देसी जुगाड़ बताऊंगा और आप याद कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सेसरबेट का मीनिंग क्या होता है। एक्सेसरबेट का मीनिंग होता है वर्सन या फिर एग्रावेट। इसकी शुद्ध हिंदी क्या होगी, किसी चीज को बदतर करना, किसी चीज को बेकार कर देना। समझ में आई बात। अब याद कैसे होगा सर, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है एक्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्स। यहां पर क्या लिखा है, एसर। आप सभी को पता होना चाहिए जो ये एसर है ये एक लैपटॉप भी होता है, मानते हो कि नहीं, आप लोग मानते हो कि नहीं, होता है, मानना पड़ेगा। जो ये एसर वर्ड है मैंने यहां से इसको निकाला, एसर क्या होता है, लैपटॉप भी होता है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा ज्यादा यूज करेंगे, एसर के लैपटॉप को अगर आप ज्यादा यूज करेंगे, मैंने इस एक्स को क्या लिखा, एक्स्ट्रा। अगर आप एसर के लैपटॉप को ज्यादा यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा, बदतर हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा कहने का और समझाने का ये मतलब है कि आपको वोकैबुलरी याद हो जाए। तो एक्सेसरबेट का मतलब क्या हुआ, बदतर हो जाना, बेकार हो जाना। अगर आप एसर के लैपटॉप को ज्यादा यूज करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, राइट। अब इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें, ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एमेल्यूरेट, इंप्रूव, किसी चीज को सुधारना, ठीक है। यहां पर क्या था, बदतर करना, यहां पर क्या होगा मेरे शेर, किसी चीज को सुधारना। इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इंप्रूव लिखा हुआ है, एमेल्यूरेट लिखा हुआ है। तो आई होप सो आज के बाद आप एक्सेसरबेट का मीनिंग नहीं भूलेंगे। आते हैं अगली वोकैबुलरी पर और सीखेंगे देश जुगाड़ के तरीके। अगली वोकैबुलरी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है और वो क्या है, वो है मेरे शेर एक्यूमेन। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है एक्यूमेन। आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको एक सेकंड में याद करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए मेरे शेर क्या लिखा हुआ है, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, मतलब पहले पढ़ो क्या लिखा है, इंटेलिजेंस, सैगेसिटी। इसका मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता। इसका मतलब होता है चतुराई। तो सर हम बुद्धिमत्ता तक कैसे, क्या देशी जुगाड़ है। देशी जुगाड़ यह है कि मैंने इस एक्यू को क्या लिख दिया, ध्यान से सुनना, एक्यू को मैंने लिखा क्या, आईक्यू, ठीक है, आईक्यू। और मेन तो मेनी है भाई, ठीक है, मेन तो क्या है, मेनी है। तो भाई हर आदमी के पास, जिस आदमी के पास आईक्यू होगा वो कैसा होगा, वो इंटेलिजेंट होगा। क्लियर हुई बात। एक्यू को मैंने हल्का सा चेंज किया देशी जुगाड़ में, आईक्यू, उसके आगे क्या लिखा है, मेन। जिस आदमी के पास आईक्यू होगा उस आदमी के पास इंटेलिजेंसी लेवल होगी, समझे बात को, बुद्धिमान होगा। सैगेसिटी मतलब चतुराई पूर्वक वो आंसर करेगा, समझ में आई बात। तो एक तरफ बुद्धिमान आदमी, तो दूसरी तरफ ये देखो विटलनेस, ठीक है। विटलनेस इसका ऑपोजिट होता है, इसका मतलब होता है बुद्धिहीन। इसका मतलब होता है मेरे शेर, इसका मतलब होता है बुद्धिहीन। ध्यान से सुनना, बुद्धिहीन। तो आज एक बार फिर से समझ लेते हैं देसी जुगाड़। एक्यू को मैंने क्या किया, आईक्यू, मेन। जिस आदमी के पास आईक्यू होगा वो बुद्धिमान होगा, बुद्धिमत्ता लेवल उसका होगा। सैगेसिटी मतलब चतुराई। तो इधर बुद्धिमान, इधर बुद्धिहीन, इसको विटलनेस पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं, विटलनेस। तो ये दो वर्ड हमेशा के लिए याद हो गए, डन। आगे आओ, नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड नंबर वोकैबुलरी, थर्ड नंबर वोकैबुलरी, अगेन बहुत ही प्यारी वोकैबुलरी, जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, अमोरस। अमोरस भी बहुत लोग पढ़ते हैं इसको, अमोरस भी आप पढ़ सकते हैं, अमोरस, अमोरस इसका प्रोनंसिएशन है। तो अमोरस का मतलब क्या होता है,
अर्डेंट, पैशनेट, मतलब किसी चीज को लेकर के बहुत पैशनेट होना, बहुत लविंग होना। एक्चुअली ये वर्ड सेक्सुअल डिजायर के लिए हम यूज करते हैं, बहुत पैशनेट हो जाना, लविंग हो जाना, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। कैसे आप याद रखोगे, क्या ट्रिक है सर, क्या देसी जुगाड़ है, समझो बात को बिल्कुल ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है, आ जाओ स्क्रीन पर, ये क्या लिखा है, ये लिखा है मोर, ठीक है, तो मोर को मोर लिख दो, इसी को तो बोलते हैं देसी जुगाड़। मोर को क्या लिख दिया, मोर, और ये अस, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, अस। तो ध्यान से सुनो, मोर वही वाला जो गांव में आता है, मोर भी है हम भी हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या हो गए, बहुत लविंग हो गए। समझ में आई बात, याद करना है अल्टीमेटली, मोर भी है हम भी हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत लविंग है। मोर मेरा ख्याल रखता है, मैं उसका ख्याल रखता हूं। मोर घर के बाहर आता है, सुबह उठाता है और आप उठ के बाहर चले आते हो, सूरज की रोशनी देखते हो, तो दोनों बहुत ही कैसे हो, लविंग हो, लवेबल हो। क्लियर? तो एंटोनिम्स क्या बनेगी डियर, अनलविंग, एक तरफ प्यार कर रहे हो दूसरी तरफ प्यार नहीं होगा, कोल्ड, राइट? तो ये इसका एंटोनिम्स बन जाएगा। तो देसी जुगाड़, मजा आ रहा है ना, अगली वोकैबुलरी पर आओ। नेक्स्ट वोकैबुलरी आपके सामने स्क्रीन पर आने वाली, क्या लिखा है ध्यान से देखो, वाओ, एमईटी। ये आपको मैं बिल्कुल देसी जुगाड़ के तरीके समझाऊंगा। अगर आप सभी को नहीं पता है तो एमईटी एक कॉलेज होता है, एमईटी एक कॉलेज होता है जहां पे बड़े मां बाप के बेटे एडमिशन लेते हैं। एमईटी कॉलेज आप लोगों ने सुना होगा, और वहां पे एडमिशन लेने के बाद लोग बहुत फ्रेंड बनाते हैं, पता है ना, एमईटी कॉलेज का एक अलग ही क्रेज है। तो एमईटी मतलब क्या, फ्रेंडशिप। एमईटी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, दोस्त मिलेंगे ही तो फ्रेंडशिप होगी, तो उसका मतलब फ्रेंडशिप, गुडविल, राइट? एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ दुश्मनी, शत्रुता, हॉस्टिलिटी, एनमिटी। क्लियर? भूलोगे नहीं ना, एमिटी, एमिटी कॉलेज से बेस्ट देसी जुगाड़ है। अगले वर्ड पर आते हैं, देखते हैं अगला वर्ड क्या है आपके लिए। नेक्स्ट, एंटीरियर। कुछ लोग इसको इंटीरियर पढ़ते हैं, इंटीरियर मतलब होता है अंदर का पार्ट, एंटीरियर मतलब होता है आगे का हिस्सा, ठीक है, एंटीरियर। और एक होता है पोस्टीरियर, एंटीरियर आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा, एंटीरियर आगे का, पोस्टीरियर पीछे का। क्लियर? तो वही लिखा है, देखो एंटीरियर मतलब फॉरवर्ड, ये क्या लिखा है, फ्रंट, फोर। एंटीरियर आगे को बताता है और पोस्टीरियर ये पीछे को बताता है। पोस्टीरियर ये किसको बताता है डियर, ये बताता है पीछे को। बहुत आसान वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगली वोकैबुलरी पर आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या लिखा है। ये वाला वर्ड देख करके कुछ लोग हंस रहे होंगे ना भाई, कि अरे वाह, आप लोग के मन में थोड़ा खुशी की लहर दौड़ी होगी एंटीक्विटी देख करके, कुछ लोग अलग डायरेक्शन पे गए होंगे। जी हाँ, आप वही जो सोच रहे हैं वही, एंटीक्विटी एक विस्की की बॉटल होती है। मेरा एम, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको वोकैबुलरी याद हो जाए। एंटीक्विटी एक विस्की की बॉटल होती है, तो यार एंटीक्विटी बहुत ही सस्ती विस्की है, इस तरीके से याद करो, उसका जमाना गया। अब लोग क्या पसंद करते हैं, रेड लेबल, जेमसन, कुछ लोग कहेंगे रॉयल स्टैग, बहुत सस्ती होती है, समझे बात को। तो आप ऐसे याद करो, एंटीक्विटी बहुत पुराने लोग पीते थे, उसका जमाना गया, अब बड़े 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 विस्की का लाइक रेड लेबल, जेमसन, ठीक है। तो एंटीक्विटी एक विस्की है जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, ऐसे आपको याद करना है। क्या है, ओल्डनेस। एंटिक मतलब प्राचीन को बताता है, प्राचीन भी पुरानी चीजों को बताता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एल्डरलीनेस, ठीक है, एल्डरलीनेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम देखो मॉडर्निटी, एक तरफ आप पुरानी प्राचीन की बात कर रहे हैं, तो एंटोनिम मॉडर्निटी, आज के युग की, रेड लेबल, जेमसन। क्लियर? ये क्या है, न्यूनेस, नया। क्लियर, याद हो गया होगा देसी जुगाड़ से, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आते हैं, आ जाओ, सेवेंथ नंबर वो कैब मैंने आपको करवाया हुआ है कई बार। क्या लिखा है देखो ध्यान से, यहां पे यहां लिखा है एंटीसिपेट। क्या लिखा है डियर, एंटीसिपेट। तो याद रखना, आंट मतलब आपकी चाची, सी मतलब से, ये क्या लिखा है, पेट। आपकी मम्मी घर से बाहर गई है तो आप चाची जी से पेट पूजा की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, विजनरी कर सकते हो कि मम्मी नहीं है, चाची तो घर पे खाना बना देंगी, एज्यूम तो कर सकते हो ना, तो लिख सकते हो आंटी से पेट, आंटी से पेट पूजा, भूख लगी है, मम्मी नहीं है, तो आप एज्यूम तो कर सकते हो ना कि आंटी खाना बना के आपको दे देंगी। क्लियर, बहुत गजब। फोर सी, विजुअलाइजेशन, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित। एक तरफ आप क्या कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, एक तरफ आश्चर्यचकित हो जा रहे हो, अरे ये क्या हो गया, बी सरप्राइज्ड। तो ये क्या बन जाएगा इसका, एंटोनिम्स। नेक्स्ट वोकैबुलरी पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या है। एक्रीमोनी, बहुत प्यारा वर्ड है। एक्रीमोनी मतलब होता है क्रोध। इसको मैं आपको देसी जुगाड़ से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है डियर, एक्रीमोनी। अब आओ समझो, एक्रीमोनी
मतलब होता है एंगर, मतलब क्रोध, एनिमोसिटी, शत्रुता, हॉस्टिलिटी। अभी अभी आपने पढ़ा था सर, वही देसी जुगाड़ बताओ जल्दी से कैसे याद करें, समझना बात को क्या लिखा है। एक्रीमोनी, मैंने क्या लिखा, इसक्री को मैंने क्या लिख दिया, क्राई, ध्यान से सुनना, और इस मौन को क्या लिख दिया मैंने, मौन। यही है देसी जुगाड़। तो क्राई और मौन मतलब आप एक तरफ चिल्ला भी रहे हो फिर शांत हो जा रहे हो, चिल्ला रहे हो फिर शांत हो जा रहे हो, चिल्ला रहे हो शांत हो जा रहे हो, मतलब आप कैसे हैं, आपके अंदर क्रोध भरा पड़ा है कि चाहते हो बस मार दो लेकिन कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को। तो क्राई चिल्ला भी रहे हो और मौन बना के रखे हो, दोनों का कॉम्बिनेशन किसको शो करेगा, एंगरनेस को, क्रोध को। क्लियर? एंटोनिम क्या बन जाएगा, फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल, कोऑपरेटिव, कन्विवियल, ये सब इसके सिनोनिम बनेंगे। क्लियर? तो ये 8 वोकैबुलरी देसी जुगाड़ से आई हो, आपको बहुत पसंद आया होगा। 9th नंबर वोकैबुलरी आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे, वर्ड है आपका एबिस्मल, इसका सिनोनिम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे, और ये भी लिखेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप ऐसी आगे की वीडियो और चाहते हैं देसी जुगाड़ वाली वोकैबुलरी जो पढ़ने के बाद आपको तुरंत याद हो जाए, तो सेशन को हमारे शेयर करना मत भूलना, और लाइक करना और कमेंट्स जरूर करना। तो चलते हैं, मिलते हैं कल फिर एक अमेजिंग सेशन वोकैबुलरी में, जहां पर हम लोग फिर से देसी जुगाड़ से 10 वोकैबुलरी सीख रहे होंगे, उसके सिनोनिम्स भी एंटोनिम्स में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।